दोस्तों अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई छबी सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज रंगों का त्यौहार होली है तो इंग्लिश बाई छबी सर चैनल की ओर से आप सभी व्यूवर्स को रंगों के त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ई एम फॉस्टर के एक शानदार नोवेल ए पैसेज टू इंडिया को यह कहानी उस वक्त की है जब इंडिया में ब्रिटिश राज था दोस्तों ए पैसेज टू इंडिया कई सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एम ए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर सेकंड के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर थर्ड मॉडर्न ब्रिटिश फिक्शन के सिलेबस में भी है तो दोस्तों इस नोवेल को पढ़ाने के पहले आइए इस नोवेल ए पैसेज टू इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को जान लेते हैं तो दोस्तों आइए की फैक्ट्स को जानते हैं रिटिन इन 1924 ये जो नोवेल है ए पैसेज टू इंडिया इसे 1924 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था फोर्थ जून 1924 ट्वेंटी यानी 4 जून 1924 को ही यह नावल पब्लिश हुआ था इस नावल का जो जॉनर है वह पॉलिटिकल फिक्शन है दोस्तों आइए टाइटल को समझते हैं दिस नावल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन पोइट ये जो नावल है वो लिया गया अमेरिकन पोइट के जो अमेरिकन पोइट का जो नाम था वॉल्ट विटमैन की एक पोयम और लीप्स ऑफ ग्रास से यानी ये जो नोवेल है अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन की एक पोयम जिसका नाम लीप्स ऑफ ग्रास से है वहाँ से इस नोवेल का टाइटल लिया गया था तो दोस्तों ये तो हो गए इस नोवेल के इम्पॉर्टेंट की फैक्ट अब स्टोरी शुरू करें उसके पहले इस नोवेल के करेक्टर्स पर चर्चा कर लेते हैं ताकि स्टोरी हमारे लिए इजी हो जाए तो हमारा जो पहला करेक्टर है उसका नाम है डॉक्टर अजीज सेंट्रल इंडियन करैक्टर इन द नावल यानी इस नावल में ये सेंट्रल इंडियन करैक्टर है ही एज अ मुस्लिम एज वेल एज अ विडोवर ये मुस्लिम है और साथ साथ एक विडोवर है वर्क्स एज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन चंद्रापुर चंद्रापुर नामक जगह में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करते हैं अब बात करते हैं करैक्टर नंबर सेकंड की मिस एडला क्वेस्टेड जो मिस एडला क्वेस्टेड हैं कम्स टू इंडिया ये भारत आती हैं विद मिसिज मूर मिसिज मूर के साथ भारत आती हैं वॉन्ट्स टू मैरी ये शादी करना चाहती है विद रोनी रोनी के साथ रोनी कौन है ए सिटी मजिस्ट्रेट ऑफ चंद्रापुर चंद्रापुर का जो सिटी मजिस्ट्रेट है वो रोनी है सन ऑफ मिसिज मूर ये जो रॉनी है वो मैसेज मूर का बेटा है सी चार्जेस अपॉन डॉक्टर अजीज ये जो मिस एडला है क्वेस्टेड है वो डॉक्टर अजीज पर आरोप लगाती है कि डॉक्टर हैड अटेम्प्टेड टू रेप हर कि डॉक्टर ने उसका रेप करने की कोशिश करी थी इन मालावार केप्स मालावार केप्स में अब नेक्स्ट करेक्टर की ओर चलते हैं और जो तीसरा करेक्टर है मिसिज मूर का सेंट्रल फिगर ऑफ द नावल मिसिज मूर इस नोवेल की सेंट्रल फिगर हैं और मदर ऑफ रोनी ये जो मिस मूर हैं वो रोनी की माँ हैं बाई हर सेकेंड मैरिज अपनी सेकेंड मैरिज के द्वारा ऑल्सो हैव सन इनका एक बेटा था जिसका नाम राल्फ था एंड डॉटर और एक बेटी थी जिसका नाम स्टेला था अब बात करते हैं करेक्टर नंबर फोर की मिस्टर साइरिल फील्डिंग की जो मिस्टर साइरिल फील्डिंग है प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज इन चंद्रापुर चंद्रापुर में गवर्नमेंट कॉलेज के ये प्रिंसिपल है क्लोज फ्रेंड ऑफ डॉक्टर अजीज और डॉक्टर अजीज के एक बेहद ही खास दोस्त हैं अब बात करते हैं करैक्टर नंबर फिफ्थ की और करैक्टर फाइव है रोनी का यह एंग्लो इंडियन सिविल सर्वेंट है दोस्तों जो एंग्लो इंडियन होते हैं उन्हें आंग्ल भारतीय है कहते हैं और आंग्लो भारतीय कौन होते हैं मतलब एक ऐसे अंग्रेज जो भारत में आकर बस गए हों उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की सन ऑफ मिसिज मूर ये जो रोनी है वो मिसिज मूर का बेटा है सिटी मजिस्ट्रेट ऑफ चंद्रापुर चंद्रापुर का सिटी मजिस्ट्रेट भी है नंबर सिक्स करेक्टर मेजर कैलेंडर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन चंद्रापुर चंद्रापुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ये हेड हैं इसके बाद करेक्टर नंबर सेवन प्रोफेसर नारायण गोडबोले टीचर्स एट द कॉलेज इन चंद्रापुर ये चंद्रापुर में एक कॉलेज में पढ़ाते हैं फ्रेंड ऑफ डॉक्टर अजीज और डॉक्टर अजीज के दोस्त हैं अब नंबर एट करेक्टर राल्फ मूर का है सन ऑफ मिसिज मूर मिसिज मूर का बेटा है बाई हर सेकेंड हजबैंड सेकेंड हस्बेंड के द्वारा ब्रदर ऑफ स्टेला ये जो राल्फ है स्टेला का भाई है एंड हाफ ब्रदर ऑफ रोनी और रोनी का हाफ ब्रदर है यानी सौतेला भाई है नंबर नेक्स्ट करेक्टर स्टेला मूर का है डॉटर ऑफ मिसिज मूर यह मिसिज मूर की बेटी है और वाइफ ऑफ फील्डिंग और फील्डिंग की वाइफ है इसके बाद नंबर नेक्स्ट करेक्टर मिस्टर टर्टन का यह जो मिस्टर टर्टन है एक टैक्स कलेक्टर है ही ऑर्गेनाइज अ ब्रिज पार्टी यह एक ब्रिज पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट ताकि एडेला एंड मिसिज मूर कैन मीट सम इंडियन कुछ भारतीयों से मिल सकें दोस्तों इन करेक्टर्स के बाद कुछ माइनर करेक्टर्स भी हैं उनको भी देख लेते हैं महमूद अली एक करेक्टर है इसके बाद मिस्टर अमृत राव नवाब बहादुर मिस्टर दास मिस नैंसी डैरिक और हमीदुल्ला डॉक्टर पन्ना लाल मोहम्मद लतीफ और मिसेज टर्टन इसके अलावा ये कुछ और माइनर करैक्टर्स थे तो दोस्तों आइए अब ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपके नोवेल को यानी ए पैसेज टू इंडिया को और नोवेल की स्टोरी को बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं दोस्तों इस नोवेल में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर अजीज सैरिल फील्डिंग जो एक ब्रिटिश मैन है मिसिज मूर जो एक ब्रिटिश वोमैन है एंड एडेला क्वेस्टेड और इन्हीं मेन करेक्टर्स के चारों तरफ ये जो स्टोरी है वो मूव करती है बाकी के करेक्टर्स को भी इस स्टोरी में डिस्कस किया जाएगा तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि मिसिज मूर जो एक ब्रिटिश वोमैन है जो अपनी फ्रेंड एडेला क्वेस्टेड के साथ इंडिया में एक फिक्शनल प्लेस जिसका नाम चंद्रापुर है वहाँ आना चाहती हैं क्योंकि मिसिज मूर का एक बेटा है जिसका नाम रोनी है जो चंद्रापुर में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है यहाँ पर मिसिज मूर की थिंकिंग यह है कि एडेला क्विस्टेड और रोनी की शादी हो जाए अब स्टोरी में बात करते हैं डॉक्टर अजीज की ही इज फिजिशियन बाय हिज प्रोफेशन जो डॉक्टर अजीज हैं अपने पेशे से वह एक फिजिशियन है ये जो डॉक्टर अजीज हैं वह अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है कि क्या इंडियन और ब्रिटिश पर्सन के बीच कभी दोस्ती हो सकती है तभी डॉक्टर अजीज के हॉस्पिटल के एक सर्जन जिसका नाम मेजर कलेंडर था उनका फ़ोन आता है कि डॉक्टर अजीज जितनी जल्दी हो सके वह हॉस्पिटल पहुंचे तो अब डॉक्टर अजीज तुरंत अपने हॉस्पिटल के लिए अपनी कार से निकलते हैं लेकिन रास्ते में उनकी जो कार है वो ख़राब हो जाती है लेकिन जैसे तैसे यह अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो तब तक जो सर्जन मेजर कैलेंडर हैं हॉस्पिटल से जा चुके थे तो यहाँ पर डॉक्टर अजीज अब थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं और अपसेट वाले मूड में वो एक मॉक्स पहुँच जाते हैं यानी मॉक्स पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर अजीज एक इंग्लिश वोमेन जिसका नाम मिसेज मूर है वहाँ पर चिल्लाने उसके ऊपर लग जाते हैं कि आप यहाँ पर प्रेयर नहीं कर सकती हैं लेकिन बाद में डॉक्टर अजीज उस महिला से शौरी कहते हैं कि उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट बोथ बिकेम फ्रेंड्स दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है तो अब मिसिज मूर घर वापस आकर इस स्टोरी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करती हैं दोस्तों अब स्टोरी में होता क्या है कि रोनी जो सिटी मजिस्ट्रेट होता है चंद्रापुर प्लेस का यह अपनी माँ मिसेज मूर और माँ की एक यंग फ्रेंड थी जिसका नाम एडला क्विस्टेट था कि मीटिंग वहाँ के एक टैक्स कलेक्टर उसका नाम था मिस्टर टर्टन उससे करवाता है यानी जो रोनी है अपनी माँ और उसकी जो फ्रेंड है एडला उसकी जो मुलाकात है वहाँ के टैक्स कलेक्टर यानी मिस्टर टर्टन से करवाते हैं तो मिस्टर टर्टन एक पार्टी रखते हैं ताकि सब गेट टुगेदर हो सके लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इंडियंस ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के साथ जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करते हैं तो दोस्तों इस पार्टी में एडला की मीटिंग चंद्रापुर के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल जिनका नाम साइरल फील्डिंग है एक छोटी सी मीटिंग होती है नाव ए टी पार्टी ऑर्गेनाइज बाई साल फील्डिंग और एक जो टी पार्टी है साइरल फील्डिंग के द्वारा रखी जाती है एंड सैरल इनवाइट्स मिसेज मूर एंड एडेला क्वेस्टेड एट दिस टी पार्टी और इस टी पार्टी में जो साइरल हैं मिसेज मूर और एडेला क्वेस्टेड को इनवाइट करते हैं लेकिन साइरल अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर जिनका नाम नारायण गौड़ बोले उनको भी इस पार्टी में इन्वाइट करते हैं लेकिन एडला इस पार्टी में डॉक्टर अजीज को भी देखना चाहती थी उनसे मिलना चाहती थी तो इस पार्टी में डॉक्टर अजीज को भी इनवाइट किया जाता है तभी सैरेल फील्डिंग और डॉक्टर अजीज के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है दोस्तों ये तो हो गई टी पार्टी अब आफ्टर सम डेज डॉक्टर अजीज मिसिज मूर एंड एडला क्वेश्चड गो टू तो सी द मालावार केप्स ये तीनों के तीनों यानी डॉक्टर अजीज मिसिज मूर और एडला क्वेस्टेड मालावार केव्स को देखने के लिए जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ मालावार केव्स में मिसेज मूर की हेल्थ uh, ब्रेकडाउन हो जाता है मतलब उनकी तबीयत जो है वो खराब होने लग जाती है सो मिसेज मूर डिसाइडेड नॉट टू गो द इनसाइड द मालावार केव इसलिए यहाँ पर मिसेज मूर मालावार केव्स के अंदर जाने को मना कर देती हैं तो अब बचे दो लोग डॉक्टर अजीज़ और एडला क्वेस्टेड तो ये दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं तो अब गुफा के अंदर घूमने के लिए ये दोनों एक गाइड ले लेते हैं तो अब घूमते घूमते दोनों में यहाँ पर बातचीत शुरू हो जाती है तभी एडला ने एक ऐसा सवाल डॉक्टर अजीज से पूछ लिया कि डू यू हैव मोर देन वन वाइफ क्या आपकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो यह सुनकर डॉक्टर अजीज को अच्छा नहीं लगा तो डॉक्टर अजीज एडला को छोड़कर दूसरी केब में घूमने के लिए चले जाते हैं तभी डॉक्टर अजीज को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि एडला वहाँ से चली गई यानी कैब के अंदर से चली गई लेकिन वहीं डॉक्टर अजीज की मुलाकात साइरल फील्डिंग से होती है और इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद डॉक्टर अजीज साइरिल और मिसेज मूर बाई ट्रेन चंद्रापुर आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग चंद्रापुर स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक तमाशा क्रिएट हो जाता है मतलब डॉक्टर अजीज को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि डॉक्टर अजीज पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने एडेला क्वेस्टेड के साथ, के साथ केप्स में जोर जबस्ती की थी तो इस बात को लेकर इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच एक खाई जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है केवल मिसेज मूर और साइरल फील्डिंग डॉक्टर अजीज को अपराधी नहीं मानते थे कि उसने ऐसा कुछ किया होगा टू सी दिस इंडियंस आर हैप्पी इनको देखकर जो इंडियंस होते हैं वो हैप्पी हो जाते हैं कि एक ब्रिटिश मैन साइरल फील्डिंग ने एक इंडियन पर ट्रस्ट तो किया लेकिन एक ब्रिटिश मैन रोनी अपनी माँ पर गुस्सा होता है कि एक ब्रिटिशर्स होते हुए वह एक इंडियन के साथ खड़ी है सो हेयर रोनी सेंट्स इज मदर टू इंग्लैंड अब यहाँ पर जो रोनी है वो अपनी माँ को इंग्लैंड भेज देता है बट इन द मिड वे ऑफ आर जर्नी लेकिन रास्ते के बीच में ही मिसिज मूर डाइज ऑन सिप यानी सिप से इंग्लैंड जा रही थी तो उसी सिप पर मिसिज मूर मर जाती है दोस्तों अब जैसे जैसे स्टोरी आगे मूव करती है तो डॉक्टर अजीज पर केस चलता है और एडला से पूछा जाता है कि वह मालावार केप्स में हुई सभी हरकतों के बारे में शुरू से बताएं। तो एडला क्वेश्चन वहाँ पर सच बोलती है कि इस मैटर में डॉक्टर अजीज की कोई गलती नहीं है तो दोस्तों अब केस कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि इस मैट मैटर पर जो एडला क्विस्टेड है वो यहाँ पर आरोप नहीं लगा रही है और डॉक्टर अजीज को अब बाज्जत बरी कर दिया जाता है तो दोस्तों आगे चलकर रोनी और एडला की सगाई हो जाती है सॉरी सगाई टूट जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं अब आगे चलकर डॉक्टर अजीज और साइरल फील्डिंग के बीच तीखी नौकझोंक होती है दोस्तों इस तीखी नोकझोंक का कारण एडला थी क्योंकि एडला इस समय सारेल फील्डिंग के घर पर रह रही थी डॉक्टर अजीज फील्डिंग से कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम एडला को अपने घर पर क्यों रखे हुए हो एंड बीइंग एंग्री गुस्से में भरकर डॉक्टर अजीज प्रोमिस हिमसेल्फ अपने आप से वादा करते हैं कि वह अब कभी भी अपनी लाइफ में ब्रिटिश पर्सन से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे उस तो शिप की जो टिकट है अब कन्फर्म होती है और फील्डिंग और एडला भी इंग्लैंड चले जाते हैं तो अब डॉक्टर अजीज वहाँ चंद्रापुर में क्या करेंगे तो आफ्टर टू इयर्स डॉक्टर अजीज लेफ्ट चंद्रापुर डॉक्टर अजीज भी चंद्रापुर को छोड़ देते हैं एंड सेटल्ड इन मऊ और मऊ नामक एक जगह पर सेटल हो जाते हैं एंड इन मऊ और मऊ नामक जगह पर डॉक्टर अजीज बिकेम द मेन फिजिशियन ऑफ किंग ऑफ मऊ मऊ के जो राजा हैं उनके प्रमुख फिजिशियन बन जाते हैं तो दोस्तों अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि कुछ वर्षों के पश्चात सैरिल फील्डिंग शादी करके डॉक्टर अजीज से मिलने आते हैं और डॉक्टर अजीज को जब पता चलता है कि फील्डिंग ने मिसिज मोर की बेटी जिसका नाम स्टेला मोर था उससे शादी कर ली देन डॉक्टर अजीज बिकेम शॉक्ड तो एक बार डॉक्टर अजीज फिर से यहाँ शॉक्ड हो जाते हैं तो अब स्टोरी के लास्ट में दोनों के बीच जो दोस्ती टूट चुकी थी वंस अगेन एक बार फिर से उनकी फ्रेंडशिप हो ज, हो जाती यानी उनकी दोस्ती जो है हो सकती है जब तक इंडिया ब्रिटिश राज्य से फ्री ना हो जाए मतलब उनकी दोस्ती अब तब तक नहीं हो सकती है कि जब तक जो इंडिया है ब्रिटिश राज्य से फ्री ना हो जाए तो दोस्तों यह नोवेल यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों ये थी आपकी नोवेल ए पैसेज टू इंडिया आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर तब तक आप खुश रहिए मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए और हाँ अपना और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग